ओके नाउ टुडे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 12, यूनिट 12, राइट? यूनिट 12. अभी पता है हमने जूनियर क्लासेस में क्या हुआ है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं. क्या होते हैं कंपाउंड्स? दे आर फॉर्मड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड they cannot be separated into their respective elements by simple physical means. ठीक है? So उनको हम compounds बुलाते हैं. जो compounds होते हैं, उन्हें हम further classify करते हैं into two. Compounds are classified into two. One which is known as inorganic compounds. And the other, which is known as organic compounds. ठीक है? Inorganic compounds कौन से होते हैं? Those compounds जिनका origin non-living हो. मतलब कि inorganic compounds जितने भी हैं, वो मिलते हैं under the earth's crust. Under the earth's crust. और इनका जो source है, that is non-living. राइट जैसे बहुत सारे सॉल्ट्स आपको पता है, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये सारे हमने पढ़े थे. जिप्सम वगैरह, ये जितने भी हमने पी ब्लॉक में पढ़े हैं, एस ब्लॉक में पढ़े हैं, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ओरिजिनली कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच कैन बी ऑब्टेन ओनली फ्रॉम plants and animals. ठीक है? अब क्या इसमें बोला गया कि only for plants and animals? जैसे for example हमारे पास होते हैं carbohydrates, पता है आपको, sugars जिनको हम बुलाते हैं, जो rice में present है, sugar में present है, potato में present है, ये सारे के सारे carbohydrates हैं. फिर हो गए proteins, proteins building blocks, building material, हमारी body के जो cells damage होते हैं उनको रिपेयर करता है. तो प्रोटीन्स जो है वो भी प्रेजेंट है इन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क में प्रोटीन बहुत होता है, चीज में प्रोटीन बहुत होता है, हाईएस्ट कंटेंट ऑफ प्रोटीन सोयाबीन में होता है. तो ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स थे. और फिर फैट्स, फैट्स हमको कहाँ से मिलते हैं? अगेन फ्रॉम एनिमल्स ओनली, राइट? इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम बटर ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, या चिकन या मीट, ऑल दैट दैट इज फैट. तो क्या बोला गया कि जो ये प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कोई एक मिस्टीरियस फोर्स होता है. उस मिस्टीरियस फोर्स को हम वाइटल फोर्स थ्योरी बुलाते हैं. मतलब कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही ये कैपेबिलिटी है कि वो इन कंपाउंड्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन कंपाउंड्स को वो बना सके. ठीक? बट सबसे पहला जो ब्लो इस वाइटल फोर्स थ्योरी को दिया था, दैट वॉज गिवन बाय वोलर. वोलर वॉज अ साइंटिस्ट. उसने क्या बोला, फ्रेडरिच वोलर उसका फुल नेम है, जर्मन साइंटिस्ट था ये. इससे बोला कि भाई हम लोग शायद सिंथेटिकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट मटेरियल या फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिकली व्हिच वाज यूरिया, जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2, राइट? इसने जो ये कंपाउंड बनाया था वो बनाया था अमोनियम सल्फेट से, राइट? जब यूरिया सबसे पहले अमोनियम सल्फेट से बनाया गया, तो उसके बाद और प्रैक्टिस की गई टू मेक सम मोर. तो देन फर्स्टली यू कैन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेटिकली प्रिपेयर कर सके. ठीक है? अब जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं, तो डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इनिशियल क्या दी गई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन दे आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. ठीक है? पर जब और इन्वेस्टिगेशंस की तो देखा गया कि कार्बन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है,
हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है, फास्फोरस भी प्रेजेंट है. तो तब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक न्यू डेफिनेशन दी गई कि दे आर कंपाउंड्स हैविंग मेजरली कार्बन विद अदर एलिमेंट्स इन ट्रेसेस. ठीक है. सो अब कार्बन ही क्यों, सिर्फ कार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बनाता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है जो उसको हेल्प करती है टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यू कैन से स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कार्बन की है दैट इज इट्स टेट्रावेलेंसी. हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है पी ब्लॉक, उसमें पढ़ा था कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हीलियम 2s2 2p2. साइज जो कार्बन का है वो काफी छोटा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, तो इसलिए कार्बन इन चार इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता. ठीक है. तो कार्बन क्या करता है, वो प्रेफर करता है टू शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स, प्रेफर टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ठीक है. सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अगर चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये चार कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, क्योंकि ये फोर कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है तो इसकी जो कोवलेंसी होती है, जितने बॉन्ड्स बनाते हैं उतनी कोवलेंसी होती है, तो इसकी जो कोवलेंसी होती है दैट इज फोर. सो कार्बन कैन साइमल्टेनियसली बॉन्ड विद फोर अदर एटम्स. ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो कि कार्बन को काफी एक्सटेंसिव बॉन्डिंग करने के लिए हेल्प करती है. चारों डायरेक्शंस में आप देख रहे हो कि वो बॉन्ड्स बना सकता है. ठीक है. सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी थी दैट वॉज नोन एज कैटेनेशन. द सेकेंड प्रॉपर्टी वॉज कैटेनेशन. कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकेज. सेल्फ लिंकेज मतलब अपने जैसे एटम के साथ बॉन्डिंग करना. तो कार्बन एक्सटेंसिवली और कार्बन्स के साथ बॉन्ड करता है. जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कार्बन के पास है. एज अ रिजल्ट ऑफ कैटेनेशन इट हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स एज वेल एज ब्रांच्ड चेन्स. तो मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स कनेक्ट हो सकते हैं इन अ स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट चेन का मतलब कि एक दो तीन चार जितने मर्जी एन नंबर, एन कैन बी एनीथिंग. ठीक है. सो ये एक स्ट्रेट चेन हो गई. सिमिलरली क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी है तो हर एक कार्बन फर्दर और कार्बन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है. तो इस तरह से एक्सटेंसिव बॉन्डिंग जो होती है कार्बन एटम्स के बीच में, ये बेसिस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. थर्डली जो कार्बन है इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब ऑलरेडी ये सेक्शन हम कर चुके हैं, डबल बॉन्ड बना सकता है. कोवलेंट बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर किया था उसमें हमने किया, ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है. तो ये मल्टीपल बॉन्डिंग भी जो है वो हेल्प करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, समझ आ गया. फिर उसके बाद हमने एक और जो टॉपिक ऑलरेडी टच कर चुके हैं हम, या
हम बोले डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. तो हमने एक और प्रॉपर्टी कार्बन की करी थी याद है ना कोवलेंट बॉन्डिंग वाले चैप्टर में. हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन. जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर फिर से हम कार्बन की देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p2. ठीक है, अब अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखें तो इसके पास सिर्फ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. आउटर वाले सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं ना बॉन्डिंग में, इनर वाले तो करते नहीं. तो ये एस हो गया, एस के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, पी के पास तीन ऑर्बिटल्स हो गए, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी तो सिर्फ ये दो ही पार्टिसिपेट करने चाहिए बॉन्डिंग में. पर हमने बोला कि कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, तो टेट्रावेलेंट का मतलब क्या हुआ कि जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम करते हैं कार्बन की तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करता है टू दिस एम्प्टी ऑर्बिटल. अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, थ्री फोर, एक ये वाला भी हुआ ना, फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दीज फोर ऑर्बिटल्स, वन ऑफ एस एंड थ्री ऑफ पी, ये चारों के चारों पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में. ओके, अब पर एस की एनर्जी अलग है, पी की एनर्जी अलग है, तो हमने पढ़ा कि बॉन्डिंग में सेम एनर्जी वाले पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग एनर्जी वाले तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो तब इंटरमिक्सिंग इन ऑर्बिटल्स की होती है टू गिव अस हाइब्रिडाइजेशन. और तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन हमने करी है, मैं डिटेल में नहीं अब जाऊंगी दोबारा. फर्स्ट वाज sp3, शेप बताओ पहले, टेट्राहेड्रल. ठीक है, और इसमें 1s एंड 3p पार्टिसिपेट इन. ठीक है, क्लियर हो गया. फिर उसके बाद बॉन्ड एंगल भी बता दो कितना होता है. 109.5 degrees, वेरी गुड. सेकेंड sp2, शेप ट्राइगोनल प्लानर. ठीक है, 1s एंड 2p पार्टिसिपेट. ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 degrees. ठीक, देन थर्ड sp लीनियर, 1s एंड 1p. ठीक है, और बॉन्ड एंगल इज 180. सो ये हमने ऑलरेडी फोर्थ चैप्टर में डिटेल में ये वाले टॉपिक्स करे हुए, राइट. अब यहाँ पे एक जो चीज हमने अब नई करनी है कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट. ओके, और हमें पता है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो सिग्मा और पाई में से कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, सिर्फ सिग्मा, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप, सो इट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. ओके, फिर उसके बाद अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज गोइंग टू बी प्रेजेंट,
So it has in between two carbons, one sigma and one pi. ये वाले सारे जितने भी single bonds हैं ये सब sigma हैं. Okay? So इसके पास क्या हो गए? One sigma and one pi. और अगर hybridization sp है, तो triple bond is present. Okay? और इसके पास one sigma and two pi. One sigma and two pi. Right? अब हम valency इस carbon की कैसे पूरी करते हैं? जैसे for example, हमारे पास two carbon atoms है with a single bond. तो हमें पता है कि tetravalent होना चाहिए carbon. अगर एक valency इसकी इससे पूरी हो रही है, तो बाकी की valencies जो है, उसे हम hydrogen से complete करते हैं. Okay? तो यहाँ पे तीन hydrogens आ गए, उसी तरह से यहाँ पे भी तीन hydrogens आ गए. This molecule is known as ethane. अभी हम डिटेल में करेंगे इसकी nomenclature next class में. Okay? अब अगर carbon और carbon के बीच में double bond present है, तो अब इस carbon की चार में से दो valencies पूरी हो गई, दो ही रह गई ना? तो उन दो को हम किससे complete करते हैं? Hydrogen से. आपने देखना है कि हर carbon के साथ चार bonds present होने चाहिए. So, इस carbon के साथ देखो, 1, 2, 3, 4 और इस carbon के साथ 1, 2, 3, 4. ठीक है? So, this molecule is known as ethene. Okay? और अगर carbon और carbon के बीच में triple bond present है, तो तीन valencies इससे पूरी हो रही है, fourth वाली हम hydrogen से पूरी कर देंगे. Right? This is known as ethyne. ठीक? Clear हो गया? अब फिर से ethane में hybridization कौन सी है? sp3. Hybridization is sp3. कौन सा bond present है? Sigma की pi? Sigma. Sigma. सिर्फ sigma bond. आपने इनको नहीं देखना. हम सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट करते हैं. बाकी हाइड्रोजन के साथ तो ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता. कार्बन सिर्फ डबल बॉन्ड बनाएगा या तो सिर्फ कार्बन के साथ या ऑक्सीजन के साथ. ठीक है? और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा या तो सिर्फ कार्बन के साथ या नाइट्रोजन के साथ. बस बाकी सबके साथ इसने सिंगल बॉन्ड ही बनाने हैं. ठीक है? क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp. sp2 कितने सिग्मा कितने पाए? 1 सिग्मा एंड 1 पाए. ठीक है? और इथाइन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp. कितने सिग्मा कितने पाए? 1 सिग्मा एंड 2 पाए. Have you understood? Any doubt in this? पक्का? So, कल जब questions पूछेंगे तो कर लेंगे. इसके जो आपको इस चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन के वो दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डन. सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन. ठीक है? क्लियर हो गया? ओके. फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैसे करते हैं. Structural representation of organic compounds. Structural representation different kind of formulae se kar sakte hai. First jo hamara formula hai, that is known as structural formula. जैसे हमने वहां पे ड्रॉ करा था, इसमें हमको हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना होता है. कार्बन के हर एक बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे आपने पिछले वाले टॉपिक में किया इथेन, तो इथेन मैंने इस तरह से शो किया था. तो आप देख रहे हो कि यहां पे हम हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है?
ठीक है, अब अगर थ्री कार्बन एटम्स हमने लेने हैं, वैलेंसीज पूरी करो, इसकी तीन करनी है तो तीनों वैलेंसीज हम हाइड्रोजन से पूरी करेंगे, इसकी टू करनी है दोनों हाइड्रोजन से करेंगे, ठीक है, और इसकी भी थ्री करनी है, राइट। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज फाइन, पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे को थोड़ा सा ये मुश्किल लगने लग जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना। क्यों? एक तो पेपर बहुत सारा चाहिए, दूसरा टाइम बहुत कंज्यूम होगा, तो हमने हर चीज के शॉर्टकट्स निकालने की एक ह्यूमन नेचर है, इसका शॉर्टकट निकाल दिया हमने कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम कंडेंस्ड फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला में कंडेंस का मतलब क्या होता है? छोटा करना। सो कंडेंस्ड फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, जैसे ये है, इस कार्बन के साथ थ्री हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो हम इसे लिख देते हैं CH3, राइट। इट इज अंडरस्टूड कि ये कार्बन तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, राइट। फिर नेक्स्ट वाला कार्बन आ गया CH3। सो इथेन का देखो कितना बड़ा था, कितना छोटा कर दिया, क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसका भी बना सकते हैं हम, फर्स्ट कार्बन के साथ थ्री हाइड्रोजन, सेकेंड कार्बन के साथ टू हाइड्रोजन, थर्ड कार्बन के साथ थ्री हाइड्रोजन। सो ये होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब इसी को हम कंडेंस्ड फॉर्मूला को सिर्फ, इसमें तो हमने कार्बन हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसको हम सिर्फ लाइनों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बड़े मॉलिक्यूल्स को जनरली हम इससे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चार कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। सो अगर चार कार्बन एटम्स का हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो कितना बड़ा बनेगा, एक दो तीन चार, थ्री हाइड्रोजन्स, टू हाइड्रोजन्स, फिर से टू हाइड्रोजन्स एंड थ्री हाइड्रोजन्स, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्मूला इसका और छोटा हो गया, CH3, CH2, CH2, CH3, राइट। अब अगर हम बॉन्ड लाइन नोटेशन करेंगे, ये हो गया बस खत्म, मतलब एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम ये है और एक कार्बन एटम ये है। हाइड्रोजन्स की बॉन्डिंग को हम इसमें शो ही नहीं करते, इट इज अंडरस्टूड कि हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। नाउ इफ यू टेकिंग इवन स्टिल बिगर, वी आर टेकिंग हेक्सेन, सिक्स कार्बन एटम्स, CH3, CH2, 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 CH3, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम्स, इसको शो कर सकते हैं। वन कार्बन एटम ये आ गया, सेकेंड कार्बन एटम ये आ गया, थर्ड कार्बन एटम ये आ गया, फोर्थ ये आ गया, फिफ्थ ये आ गया और सिक्स्थ ये आ गया। सो दिस इज अ कंपाउंड विद सिक्स कार्बन एटम्स, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहे हैं तो उसके पास कार्बन एटम्स कितने हैं, टू C2H6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। उसी तरह से इसके पास कार्बन कितने हैं, थ्री, और हाइड्रोजन कितने हैं, एट, C3H8। सो ये सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स देता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4, 3, 3, 6, 10, H10, ओके। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C6, 3 और 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है
ये सिर्फ हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट है सिर्फ इसी के बारे में हमें बताता है क्योंकि बॉन्डिंग से हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता चलता है तो हाइब्रिडाइजेशन भी हमें बता देता है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में भी sp2 है कार्बन डबल बॉन्ड ओ में भी sp2 है जहां पे भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा होगा वो वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा ठीक है उसी तरह से जहां पे भी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा समझ में आ गया ना अब ये तो हमें सिर्फ प्लेनर फार्मूला बता रहा है पर हमको ये पता है कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का किसी भी एक मॉलिक्यूल का फार्मूला देखते हैं तो वो जो फॉर्मूला है या वो कंपाउंड है इट हैज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर राइट सो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब कि हम तब फॉर्मूले कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेट्स सी ओके सो वी हैव द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो लेट्स से कार्बन सेंटर में और हर एक कार्बन के साथ चार स्पीशीज अटैच्ड होने चाहिए है ना सो हम चार डिफरेंट स्पीशीज ले रहे हैं हम हाइड्रोजन ही ले रहे हैं कुछ भी और ले रहे हैं सो एक जो स्पीशीज है ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना एक कार्बन का तो वो हम यहां शो करेंगे एक स्पीशीज ए इस तरह से अटैच्ड है बी इस तरह से अटैच्ड है This is C, right? And this is B. Okay. अब जो ये हम single line के साथ represent कर रहे हैं, ये दोनों हमारे सामने plane of the paper पे. Plane of the paper का मतलब वो board में ही है, board वाले plane पे है. So this is on the plane. ठीक है जो हम ये सॉलिड लाइन बना रहे हैं ये वाली सॉलिड लाइन ये हमारी तरफ को प्रोजेक्ट कर रही है इट इज आउटसाइड ठीक है सो ये वाला जो है दिस इज प्रोजेक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर अब जैसे आप ऑब्जर्वर हैं और इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो ये आपकी तरफ को पॉइंट करेगा लाइक दिस ठीक है और ये जो है ये पीछे की तरफ को बैकवर्ड बेसिकली यही एक स्ट्रक्चर होता है इफ इन केस लेट्स सी इफ वी कैन शो इट विद द पीस ऑफ चॉक्स अगर ये है हमारे पास और ये हमारा कार्बन एटम है ठीक है सो दो तो जो होंगे वो तो सेम प्लेन में ये देखो दिख रहा है आपको ये दो सेम प्लेन में एक जो है वो आपकी तरफ को पॉइंट कर रहा है और एक जो है वो बैकवर्ड पॉइंट कर रहा है तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम शो कर सकते हैं ठीक है दो ये वाले प्लेन में ये वाला जो एक है ये आपकी तरफ को पॉइंट कर रहा है और ये जो एक है ये बड़ा लंबा वाला चौक ये पिछली साइड को ब्लैक बोर्ड ये ग्रीन बोर्ड की तरफ को पॉइंट कर रहा है तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर इसका बॉल एंड स्टिक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये मुझे नहीं पता अब स्कूल्स में होते कि नहीं पर जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें मॉडल्स से एक्सप्लेन किया जाता था ठीक है स्टिक एंड बॉल मॉडल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं सो अगर आपको अपने स्कूल में पूछना होगा तो आप टीचर से पूछ सकते हो दिस इज नोन एज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ठीक है सो हमने सबसे पहले फ्रेमवर्क मॉडल किया जिसमें हम इसका फ्रेमवर्क मॉडल कैसे बनाएंगे ये कार्बन आ गया ये आ गया ए ये आ गया बी ये आ गया सी और ये आ गया डी ठीक है दिस इज द फ्रेमवर्क मॉडल
फिर बॉल एंड स्टिक मॉडल मैंने आपको बताया, बॉल एंड स्टिक मॉडल का मतलब कि कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ बॉल, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये पीछे की तरफ को जाएगा और एक आगे की तरफ को आएगा. दिस इज बॉल एंड स्टिक मॉडल. सो वी हैव मेनी वेज टू रिप्रेजेंट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, सो लेट्स गो ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, विच आर ऑल्सो नोन एज एनीसाइक्लिक, सॉरी एसाइक्लिक, without a cycle, open chain, acyclic. तो इसमें हमारे पास straight chain भी आते हैं, जैसे कि हमने इतने सारे अभी examples लिए, और इसमें हमारे पास branched chain भी आते हैं, जिसमें हर एक carbon atom में आगे branches लगी हो, जैसे This is a branched chain. तो इस स्ट्रेट चेन के साथ आगे ब्रांचिंग लगी हुई है. ठीक है, क्लियर हो गया. सेकेंड टाइप जो है दे आर नोन एज क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स. क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स को हम जनरली बॉन्ड लाइन नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये. अब इसके पास कितने कार्बन एटम्स है? फोर कार्बन एटम्स. ठीक है, या इसके पास कितने कार्बन एटम्स है? थ्री कार्बन एटम्स. ओके, सो जो क्लोज्ड चेन है उसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे इनटू एनीसाइक्लिक एंड एरोमैटिक. एनीसाइक्लिक ये सब हो गए. दिस इज एनीसाइक्लिक, इसमें सिर्फ एक साइकिल प्रेजेंट है. ये कितने कार्बन रिप्रेजेंट करेगा? सिक्स. ठीक है, और एरोमैटिक के अंदर एक स्पेशल कंपाउंड प्रेजेंट है जिसके पास ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स है. दिस इज बेंजीन. बेंजीन, राइट? सो बेंजीन क्या है? इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड व्हिच हैज अ साइकिल ऑफ सिक्स कार्बन एटम्स हैविंग अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स. ठीक, क्लियर हो गया. ओके, अब बेंजीन अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं. अगर दो रिंग्स अटैच्ड है तो इसे हम क्या बुलाते हैं? नैप्थलीन. नैप्थॉल के बॉल्स मिलते हैं ना, स्वेटर्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए. सब्लाइमेबल होता है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैसियस स्टेट. ठीक है, तो मॉथ रेपेलेंट की तरह हम इसको यूज करते हैं. और अगर इसके थ्री रिंग्स प्रेजेंट हो तो उसे हम बुलाते हैं एंथ्रासीन. नॉमेनक्लेचर में करेंगे हम इसको डिटेल में. ठीक है, क्लियर हो गया. अब यहां पे सेम सारे में आप देख रहे हो कि इन द रिंग कार्बन एटम्स आर ओनली प्रेजेंट, तो इन्हें हम बुलाते हैं होमोसाइक्लिक.
homocyclic, which has only carbon atoms present in the ring. ठीक है? And second जो हमारे पास है, closed chain में, they are known as heterocyclic. Basically, हम closed chain को classify करते हैं into heterocyclic and homocyclic. ठीक है? फिर homocyclic वाले जो हैं, वो alicyclic और aromatic हो जाएंगे. और जो heterocyclic है, उसपे हमारे पास different carbon atoms या carbon के अलावा कोई और atoms भी present रहते हैं. जैसे for example this is known as furan. अब इसमें oxygen आ गया ना ring में, तो इसलिए हम इसको heterocyclic बुलाते हैं. furan. उसी तरह से अब इसमें नाइट्रोजन आ गया, दिस इज नोन एज पिरिडीन. ठीक है, दिस इज नोन एज पिरिडीन. जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड. बेंजीनोइड कौन से होते हैं which contain a benzene ring, जैसे ये बेंजीनोइड कंपाउंड है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट है. ये हम आगे करेंगे एरोमेटिसिटी, उसमें हम इसको डिटेल में करेंगे. अभी आप यही याद रखो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो जिसके पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उसे हम क्या बुलाते हैं, बेंजीनोइड, और जिसके पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं उनको हम बुलाते हैं नॉन बेंजीनोइड्स. ठीक है, so this is the entire classification of organic compounds. Then next we go on to functional groups. फंक्शनल ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप लिखो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स attached to a carbon chain in an organic compound, which gives it its properties, is known as a functional group, right? So let's do some important functional group. First type हम करेंगे functional groups containing carbon multiple bonds. ठीक है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स. इसमें तीन तरह के आते हैं. द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज एल्कीन्स हैविंग सीसी डबल बॉन्ड. सेकेंड इज एल्काइन्स हैविंग सीसी ट्रिपल बॉन्ड, राइट?
And the third one is arenes having a benzene ring. ठीक है? Then second functional groups जो आएंगे, second type, जिसमें carbon is bonded to oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus. ठीक है? So let's see कौन-कौन से हैं ये. सबसे पहले हम कर लेते हैं ऑक्सीजन वाले. First इसमें आता है alcohols. Alcohols में the functional group is represented by OH. ठीक है? Second is aldehydes. Aldehydes में CHO. Okay? This can be written as CHO. ये वाली जो लाइन हम शो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये करिए, यहाँ पे ये करिए, ये कार्बन के साथ अटैच्ड होगी टू द चेन. चार वैलेंसीज जो हमको पूरी करनी है ना कार्बन की, ठीक है? और ऊपर वाला जो OH ग्रुप है, वो अटैच्ड होता है टू द कार्बन चेन. थर्ड कीटोन्स. C double bond O. अब यहां पे ये वाली लाइन भी कार्बन चेन के साथ अटैच्ड है और ये वाली लाइन भी कार्बन चेन के साथ अटैच्ड है. ठीक है? क्लियर हो गया? ओके. फिर फोर्थ इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स. वी आर ओनली डूइंग द मेन वंस टुडे. कल आपने ये सारे याद करके आने. ओके. कार्बोक्सिलिक एसिड्स ठीक है? और यहां पे दिस इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन. दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. देन नंबर फाइव नाइट्रिल. दिस इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन. ठीक है? देन सिक्स्थ अमीनो. या अमीन भी लिख सकते हो आप. अमीनों की जगह लिखो अमीन. NH2. नाउ ओवर हियर द नाइट्रोजन विल बी अटैच्ड टू द कार्बन चेन. ठीक है? फिर उसके बाद ईथर्स. ईथर्स में सिर्फ एक ऑक्सीजन होता है सेंटर में और दोनों साइड कार्बन चेन्स होती है. ठीक है? फिर उसके बाद हेलोजेंस. हेलोजेंस ये सारे कोई भी. एक्स मींस फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो. कोई भी हेलोजन. ठीक है? दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ फंक्शनल ग्रुप. क्लियर हो गया? अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इसके फर्दर डेरिवेटिव्स होते हैं. डेरिवेटिव्स का मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही निकलते हैं. द फर्स्ट वन दैट इज अमाइड. अब यहां पे आप देखो, यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है ना. सो हम यहां ओ एच को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एनएच टू के साथ. दिस इज नोन एज अमाइड. ठीक है? सेकेंड इज एस्टर. यहां पे H को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया R के साथ. ठीक है?
And the third one is carbonyl fluoride. अब यहाँ पे हम H को substitute कर देंगे, OH को substitute कर देंगे Cl के साथ, carbonyl fluoride. क्योंकि ये acid से मिलते हैं, इसलिए इन तीनों को हम acid derivatives बनाते हैं. Clear? तो यहाँ तक कल आपने learn कर दिया है.